एक गो राज और बाकी बा, वो राज में हमनी के जाके घूम के चल जावे के बा। अरे चलो यार तो मजे बा, देखिए बच्चों को कर्ज करो। चलो के बा घूमाबा, चल के लगा मखमा का आवे हमार खा घोड़ा भाई। चलो चलो, अरे चलो बता चलो बाए घोड़ा हो, अरे पुरु चोखा बनाए है दे, चोखवा तू खाई हो लिटिया हो खाए। घोड़ा अब आगर बजे चिंता करे कौन काम नहीं था। गुरुजी महाराज तुम आ गए क्यों भागे जा रहे हो? गुरुजी महाराज मैं ठहरा बुढ़ा आदमी तुम्हारे पांव से पार पाऊंगा। गुरुजी महाराज चिंता ना कीजिए, मैं आपको छोड़कर अकेले थोड़ी जाऊंगा। अकेले जाएगा तो भुला जाएंगे। गुरुजी महाराज देखिए देखिए कितना घना जंगल दिखाई दे रहा है, चलिए इसी जंगल में चलेंगे और इसी जंगल में चलकर शिकार खेलेंगे। आगे घने जंगल में जाने सबको डर लग रहा है, पीछे चलो। ओ गुरुजी महाराज डरते क्यों हैं? जब आपके साथ मैं हूँ और मेरे मेरे पास हथियार है तो इस जंगल में जाने से डरते क्यों हैं? चलिए गुरुजी महाराज चलिए जंगल में चले चलिए। जब ऐसी बात है तू मेरे साथ मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई कुछ नहीं करेगा हम लोग, चलो चलिए। ये बताइए घर से भांग खाकर आए हैं क्या? भांग खा गए हैं। हाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या हुआ, आप नीचे क्यों गिर गए? नीचे से धक्का मार रहा है पर हम भांग खा गए हैं। बताइए आप ही लोग बताइए, जी मैं धक्का मार रहा हूँ, जब मैं आपके आगे चल रहा हूँ तो मैं पीछे से भरा धक्का कैसे मार सकता हूँ? ये कैसे हम गिर गए अभी आते आते? गुरुजी महाराज हमको लगता है आप कोई नशा किए हुए हैं। नशा नहीं, लहरी खाए हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, या भांग खाए हुए हैं? नहीं। तो
खाली दशहरी आम एक किलो खाए हैं, इसीलिए आप नशे में हैं। अरे लहरी नहीं दशहरी एक किलो। अरे आप एक किलो दशहरी खाए हैं ना, इसी का नशा है। आइए मेरे पीछे और चले खड़ा जंगल में। आम दूध दिया है। अरे ले लिया, ले लिया, बर्बाद कर दिया। आपको चलने का आवश्यकता नहीं है, एक काम कीजिए, खड़ा होइए, खड़ा होइए आप। उठने में टाइम लगेगा। अरे तो उठिए ना। गिरे हैं। गिरे हैं तो क्या हुआ? एक काम कीजिए गुरुजी महाराज, आप यहीं रहिए, मैं घना जंगल में जाकर शिकायत। पहले लोग हमारे डांड में सिर बेहोश हो गया। आपके डांड में? हाँ, डांड में सिर बेहोश हो गया। इसीलिए कह रहे हैं, इसी के लिए कह रहे हैं, आप यहीं पे रहिए, मैं जंगल में जा रहा हूँ और जंगल में शिकार खेलकर वापस आ रहा हूँ आपके। जाओ 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 बड़ा तली, जाओ तुम भी जाओ, हमें ही पकड़ा है। ठीक है, यहीं पे रहिए। जाए वही ठीक है। जाइए। क्या है? अरे छोटे छोटे बच्चे उन लोगों को कौन खिलाएगा? बच्चे हमारा सत्यानाश हो जाएगा। आपका बच्चा भी है? गुरुजी महाराज आप चिंता ना कीजिए, मैं अपने पिताजी से कहकर आपके बाल बच्चों को हमेशा खाना भोजन टाइम से दिया करूंगा। राशन पानी मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम मर भी जाएंगे तो कोई डर नहीं है। ओ गुरुजी महाराज चलो, आखिर आप बताइए मेरे राज में किस चीज का कमी है? कमी कहाँ है? मैं पिताजी से कहूंगा तो आपका घर राशन से भर जाएगा। आप चिंता ना कीजिए। राशन होता है इनके दरबार में? बहुत ज्यादा राशन होता है। क्या हुआ? सिर्फ भानकर राशन होता है। आपको पता है जो मेरे राज्य में किस तरह राशन होता है और मेरे सिमटी और बोरा का नाम ले रहे हैं? तो हमारे यहाँ दक्षिणा मुहे बांध कर जाता है, कोई बोरा सी कर गया है। गुरु जी महाराज, दक्षिणा कभी ज्यादा मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है। चलो तो चलिए चलो। उधर जाएगा गुरु जी महाराज। घेर लिए है, घेर लिए है। बातें किससे करें, चलिए आगे चलते हैं। कुछ दिखाई दे रहा है मुझे तो? यहाँ पे केवल जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। अपने बाएं साइड में देखो तो क्या दिखाई दे रहा है? गुरु महाराज मुझे तो केवल पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। मुझे कुछ पेड़ पौधे इधर दिखाई दे रहे हैं। हाँ। थोड़ा बाएं साइड में देखो क्या दिखाई दे रहा है। गुरु जी महाराज ये तो बहुत सुंदर घोड़ा है। सुंदर घोड़ा है? हाँ गुरु महाराज। ये सुंदर नहीं है, ये पक्का सुंदर घोड़ा है। गुरु जी महाराज ये घोड़ा बहुत सुंदर है और एक घोड़ा मुझे चाहिए। चाहिए? हाँ गुरु जी महाराज। ताम्रध्वज क्या है? तुम चाहो तो दो चार कट्ठा जमीन तुम्हारे नाम से हम कर देते हैं। गुरु जी महाराज अपना बैंक बैलेंस तुमको दे देते हैं, लेकिन इस घोड़ा का बात मत करो रे दादा। गुरु जी महाराज आपको तो पता है मेरे राज में किसी चीज का कमी नहीं है, तो फिर आपका जमीन में लेकर क्या करूँगा? अरे कमी की बात नहीं है मूर्ख लड़का, वो इतना खतरनाक घोड़ा है कि किसी सवारी को सवारी नहीं समझेगा, उसको खाद ले बनाकर खेत में फेंक देगा। गुरु जी महाराज आपको तो पता है जो चीज मुझे पसंद आ जाता है उसे हर कीमत में मैं हासिल करके रहता हूँ। गुरु जी महाराज मुझे घोड़ा चाहिए, चाहे इसके लिए जो करना पड़े मैं करूँगा, मैं घोड़ा इसको घोड़ा पकड़ूंगा। अब मैं समझ गया, अपने जाएगा साथ वो हमको भी लेकर जाएगा। गुरु जी महाराज आप डरते क्यों है? जब मैं आपके साथ हूँ तो डरने क्या बात है? ठीक है पकड़ो घोड़ा को, जो होगा उसे देखा जाएगा। ठीक है पकड़ो। कुछ दिखाई दे रहा है? क्या? उसके माथे पे जो पत्र है, पहले उस पत्र को लेकर देखा जाएगा उसमें क्या लिखा है। पढ़िए इसे। बोलिए। तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? क्या इस पत्र में जो लिखा है शब्द शब्द तुम ध्यान दे रहे हो? अरे आपके पास पत्र है, इस पत्र को पढ़कर सुनाइए। इस पत्र में लिखा है कि विश्व ये तार्जुन का घोड़ा जो पकड़े संग्राम उसे करना होगा, और विश्व ये अर्जुन से। ठीक है गुरु महाराज ये चुनौती हम लोग को स्वीकार है। क्या यह चुनौती तुम्हें स्वीकार है? जी गुरु महाराज। तो पकड़ो घोड़ा जो होगा उसे दे। ठीक है गुरु महाराज इस घोड़े के लिए मैं किसी से लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं घोड़ा पकड़ूंगा। शाबाश। पंडित जी एने भेने
जागो बड़े भगवान है। इस जंगल में कौन ऐसा जानवर है जो बोलता है हमारा नाव धोकर बुला रहा है? हे पंडित जी, कौन है? हमें अगवा है घोड़वा रवा धोकर लगे गोनी पकड़ के। क्या घोड़वा रवा पकड़ के लगे गोनी है? हाँ, आई एम होम पकड़े हैं। आई एम होम पकड़े हैं। बाप रे बाप, है दे अपना बॉडी कर पर देख ली लपेट के चार कर मरो नी आई अकाउंट रुपया दचने लगे घरे चल दे। ये दही चूड़ा का ताकत है। अच्छा, जब अपने आप आ जाता है हाँ। तो दूसरे को छक्का छुड़ा देता है। और घोड़ा पकौनी है ओकरा माथवा पर पत्र लिख के टांगर वाला पढ़नी है। बोल क्या लिखा रहा है? उस पत्र में लिखा था हाँ। क्या पढ़कर फिर सुना दे तुमको? हाँ सुनाइए, अभी सुना देते हैं। सुनाइए, तो अपने ऐसे गाधा समझता हमको? हाँ, हम पढ़ा लिखा आदमी हाँ, हम गाधा है यार, वो तो घोड़ा है। इसमें बोलेगा, इसमें लिखा है कि विश्व में दर्द में घोड़ा हाँ। जो बड़े संग्राम उसे करना होगा हाँ। हाँ। और विश्व में दर्द के साथ उसे लड़ना होगा। क्या ये चुनौती आपको मंजूर है? मंजूर है, है? मंजूर है। वाह, यहाँ का बुझाता नहीं कि दोहे चुरा के लपेटा नहीं चार कौर मरो नहीं आया अकाउंट पर दोचने लगे घर धोले दे। अर्जुन महाराज तो अलग बानी हाँ। तू घोड़ावा ले जाए खाती पहले हमारा तो लड़क पड़ी है। तुम्हारे महाराज अलग है तो ये घोड़ा भी जो पकड़ा है वो अलग है, तुमको पहले हमसे लड़ना पड़ेगा। दोही चूरा भी ला जाए एक फट में भोंक दे दोही चूरा फेंक दे बहुत तो देरी ना लगी। फेंकवा देगा वही में कब होता है? दोही चूरा फेंकवा देगा। फेंकवा दे, फेंकवा देगा, फेंकवा दे। हम तुम्हारा लीटी फेंकवाते हो भैया। आइए आइए। शरीर का जो है हाँ। तापमान गर्म कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, लड़ेगा हाँ हाँ। नहीं मानेगा तू? लड़ेंगे, लड़ेगा, लड़ेंगे। तुम तो को ऐसा लड़ाएंगे हाँ। कि तुम्हारा बाप तुम्हारा नाना सब याद आए। अच्छा ये बताइए कि आई बनी है जा लड़ाई करे आ कि आई बनी तोजिया में गांठका भाज। चुप हो जा, तोजिया के जाठ रहा है हम पर हमारे पैतरा दिखा रहे हैं। पैतरा लाठी कैसे चलाया जाता है? अच्छा, दुश्मन को कैसे चित किया जाता है? ऐसी बात है, ऐसी बात। लाठी को हटाइए और आइए। लाठी से नहीं होगा ना, आजा आइए बाजू से बाजू लड़ाइए। सौर फरोशी की तमन्ना और इस ब्राह्मण के दिल में है। अच्छा, और देख रहे हैं जोर कितना इस बाजी कुत्ता में। जा आजा राजा लड़बो, आजा आजा बेटा लड़बो। क्या है? आजा आजा अपना लड़बो, आजा। गुरु जी महाराज, ये जो भाव दिखा रहा है उसका दाव कोई दूसरा है और उस दाव के लिए हमको पानी चढ़ाओ तब हम टाइट हो गए। गुरु महाराज, अरे इस दाव का कोई तो निशान होगा, उठिए और इससे लड़ाई कीजिए। आप हारेंगे? हारना नहीं, हारेंगे नहीं, मारेंगे। आइए, तुमको फाड़ेंगे। आइए, पहले वो चवन परास किन दो। चिंता ना किया, हम है ना यहाँ पे, हम दब रहे हैं। अब इसका दाव देख लीजिए। दबेगा नहीं, इसका गर्दन झाड़ देंगे आज। एक काम कीजिए, अरे भैकुम तो काट ला लो ये पंडित। तू जब मौगाई दाव दिखाएगा तो हम मर्दानवा दाव नहीं लगाएगा, क्या समझता है रे? लो ले, लड़ेगा नहीं, घोड़ा लग जाए। हाँ हाँ, बाबू जी के किन लोग आई एम हम माय नेम इज पंडित। हां माने उला
निकाल के फाड़ जाएगा घुलाट कर। आइए आइए अरे द्वारपाल उठो का भइल बा खड़े हो जाओ का हो द्वारपाल का हो देखो तुम एक राज का द्वारपाल हो एक काम करो तुम्हारा काम है राज में द्वारपाल का काम करना एक काम करो अपने जान को बचाना चाहते हो यहाँ से सट दे भाग जाओ यहाँ खतरा है अच्छा खतरा से बचो और यहाँ से चले जाओ चले जाओ अपने राज में और जाकर अपने राजे से कह देना कि आपका घोड़ा कहीं पकड़ा गया है। ढेर जब चौड़ा का सौक भानू और ढेर जब चौड़ा का मन बा तो अपना बाप से नु किनवा ले लाठी मुंह घुसेर देंगे घुसेर देंगे दोनों आदमी का जवाब दे मैं तुमको दे रहे यही करके भागेगा इसका मतलब तुम यहाँ से घोड़ा चोकर नहीं जाएगा नहीं जाएगा बुझाता कि खेत में मुरैया कोयला उखाड़ के खा खोल लो मैं तुमसे एक बार नहीं बल्कि आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुम एक घोड़ा छोड़कर जाओगे या नहीं कभी नहीं घोड़ा छोड़कर नहीं जाओगे नहीं जाओगे नहीं जाएंगे क्या है आदमी नहीं है ये थेथर है थेथर बेहाया है एक काम करो क्या है छोड़ आएगा तो पटक कर मारे कहता नहीं की बेहाया है हम वो बेहाया है कि तूर कर खेत में फेंकेगा वहाँ पर भी हम जाम जाएंगे घोड़ा छोड़कर तू नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा फिर मैं लेकर क्या उठा रोको मर्दा रोको रोको मारो बास इसका आंख बाहर हो जाए मेरे बारे एक तीर धंधे मार दे मरद बताओ ना बाजा है इसे अरे पांजा से बाजा है इसे पांजा से लड़ाई करेगा सीना तेज है इसका ये पकड़िए आप और मैं इसे दो दो हाथ लड़ता हूँ बुझाता लोगे फिर ही कबा द्वारपाल अभी मैं तुमसे कहता हूँ चले जाओ यहाँ से तुम मेरे से लेगा रोका बहुत नहीं लड़ेगा कमराज क्या है माता को इसको अरे नहीं अरे गलती है नहीं अरे बात मानिए नहीं बात मानिए कमरधाज आपसे बोल रहा हूँ गलत है आप चलाने लगे बताइए कि दो ही चूरा खा वाला आदमी से तीर धनुष चली मार के आगे तो मार देनी अपने पीछे जाए हो दुर्गा जी हद है अरे भाग माना है कि फूट गए इतने हाइड्रो सिल्वर तो और ही निमन भाई ऐसा काम कीजिए इसको रख दीजिए हम नहीं चाहेंगे लेगा हाँ लेगा आजा आइए बताइए आप ही लोग मैं इससे किस तरह लड़ूं बोला आज मर्द की जैसे लड़ाई कीजिए लक्ष्मण रेखा हो लक्ष्मण रेखा डांटा लक्ष्मण रेखा की लक्ष्मण रेखा हो गया क्या यहाँ से उधर आप लड़िए यहाँ से इधर हम लड़ेंगे शरीर से भेद नहीं होगा फाटा फाटी नहीं होगा मुंह नहीं फूटेगा भूभू नहीं टूटेगा लड़ाई चालू रहेगा आइए अरे मूर्ख आइए आइए उल्टा क्यों है बात सुनेगा तू पागल है क्या पागल बनी दिमाग तेरा खराब है दिमाग खराब ये बता तू ये लक्ष्मण रेखा खींच दिया तब यहाँ पे एक लकड़ी रख दिया तब और बोला जा लड़ाई चालू करो तो ये बता जब शरीर से शरीर टच ही नहीं करेगा तो लड़ाई किस बात की है भाई देखो शरीर से शरीर टच कर पियराए खाती समरधाज क्या है ये वो काट दिए हैं एक और बाकी है लोग दूसरा का भी काटेंगे चल ए पंडित जी है तो कटला ही बनी ना बता के एगो अगवा काट ली चला जा अलर्ट अच्छा दावे में फेल है आ जाना आया जाता है स्वामी पूछा जाता है अब बोल हटो इसको मुंह में डांटा हूं अरे उधर उधर इसको मुंह में डांटा हूं अरे इधर है इसको मुंह में डांटा हूं अरे आपका चश्मे का नंबर कम हो गया क्या इसका करो करो करो
चश्मा जो है खराब हो गया है, थोड़ा पोछ लेने दो। अरे ये बताइए गुरु महाराज, सब खराब हो गया है, कहाँ करे, बहुत दिन हो गया। आपका चश्मा कैसा है, जाऊंगी लगा कर साफ करते हैं। इसका मुहुआ किधर है? उधर है, हम कहें कि यही मुहुआ है। ए, अब लड़ेगा, चलिए कुछ महाराज अब चीत हो गया है, घोड़ा लेके चलिए। बोलवा तारा बाप जी कहा, मैं एक 12 बरस के लड़के से इनका घमंड नहीं तोड़वाया तो मेरा भी नाम कृष्ण नहीं।